So just like quadrilateral, just like quadrilaterals या पॉलीगॉन, ट्रायंगल की सिमिलैरिटी की कंडीशन भी वही है। हम कहेंगे टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर इफ फर्स्ट क्या रहेगा, पहला देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, दूसरी कंडीशन रहेंगी देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। ठीक है, सेम रेशियो मीन्स सेम प्रोपोर्शन। बाय द वे, बिफोर गोइंग अहेड, क्या आपको ये करस्पॉन्डिंग वर्ड जब हम कहते हैं वो ठीक से समझता है? दो यस सर। ट्राइंगल्स है, देखो दो ट्राइंगल्स है, मैं ड्रॉ करता हूं, आप मुझे उनकी करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ साइड्स और ये सब दिखा बता दो। आपको लोगों का सर ये क्या बता रहे हैं, बट ये पता होना चाहिए। दिस पी क्यू आर ए बी सी। चलो, दिस ये सिमिलर कब रहेंगे, यस सर। ये सिमिलर कब रहेंगे बोलो। जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है एंड 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 करस्पॉन्डिंग साइड सेम रहे। करस्पॉन्डिंग साइड सेम रहेंगी। तो देखो, अभी हम कह रहे हैं कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है? सो आप मुझे इनका करस्पॉन्डेंस लिखकर बताओ। अभी तो ये कॉन्ग्रुएंट है, चलो सिमिलर भी छोड़ दो, आपको कॉन्ग्रुएंट पता है, सो ये कॉन्ग्रुएंट है, तो इनका करस्पॉन्डेंस लिखकर बताओ। क्या ऐसा लिखना चाहिए, ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल पी क्यू आर, या ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल, क्या लिखा मैंने, ए बी सी इज आर क्यू पी, या ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट विद ट्राइंगल क्यू पी आर, कौन सा सही रहेगा? एबीसी कॉन्ग्रुएंट टू आरक्यूपी। एबीसी यस इज सर, कोरिस्पॉन्ड टू आरक्यूपी। क्यू, ऐसा कहा आपने? क्योंकि आपको ध्यान में आया, देखो सर ये 90 डिग्री का है, ये भी 90 डिग्री का है, ये स्मॉलर साइड है, तो यहाँ पर स्मॉलर साइड कौन सी है, ये स्मॉलर साइड है। तो देखो, आप जो एंगल 90 डिग्री का नहीं है और स्मॉलर साइड का पार्ट है, वहां से 90 डिग्री के तरफ गए और फिर तीसरा लिखा, तो वैसा ही यहाँ पर होना चाहिए। जो 90 डिग्री का है उस साइड का दूसरा पार्ट, वहां से 90 डिग्री के तरफ गए और फिर तीसरा लिखा। सो ए बी सी, इसका करस्पॉन्डेंस लिखना पड़ेगा आर क्यू पी, और एक बार आपने ये ठीक से लिखा तो बाकी आप करस्पॉन्डिंग पेयर्स अपने आप लिख सकते हो, ये साइड्स करस्पॉन्डिंग हो जाती है। और ये करेस्पॉन्डिंग एंगल हो जाते हैं।
कोण किसके साथ कॉन्ग्रुएंट है ये आप आंखें बंद करके लिख सकते हो। क्या सभी के मन में ये क्लियर है? क्या सभी के मन में क्लियर है? किसी के मन में इसके बारे में कोई डाउट है? कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो। हाँ ओके, अगर आपको देखना है कि ये दोनों क्यों गलत है, ऊपर वाला और नीचे वाला, तो देखो यहाँ पर साइड ए बी ये करस्पॉन्डिंग साइड हो रही है पी क्यू को। अब ए बी देखो ये स्मॉलर साइड है एंड पी क्यू इज लार्जर साइड है, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल इस केस में नहीं आ रही है, दैट्स वाई दिस इज रॉन्ग। यहाँ पर ए बी अगेन यहाँ पर क्यू पी आ रहा है, दिस इज अगेन रॉन्ग। ठीक है, यहाँ पर देखो एंगल भी 90 डिग्री का है, यहाँ पर तो एंगल क्यू ठीक से आ रहा है विच इज 90 डिग्री, पर यहाँ पर देखो एंगल बी 90 डिग्री का है, यहाँ पर एंगल पी आ रहा है करस्पॉन्डिंग, पी इज नॉट 90 डिग्री। ठीक है, शायद से आप ऐसा कहोगे सर ये स्मॉलेस्ट साइड है, स्मॉलेस्ट के आगे वाला एंगल सबसे छोटा रहेगा। ठीक है, सो एंगल सी इज स्मॉलेस्ट, सो यहाँ पर इस ए बी के सामने वाला जो एंगल है सी इट इज स्मॉलेस्ट। पी क्यू देखो, पी क्यू के सामने वाला एंगल स्मॉलेस्ट नहीं है, अगेन वी कैन से दीज आर नॉट करस्पॉन्डिंग साइड, और इसलिए ये दोनों रॉन्ग है। इसलिए हमेशा प्रैक्टिस ऐसी ही रहनी चाहिए कि वी शुड राइट द नेम्स ऑफ ट्राइंगल व्हेनेवर वी आर राइटिंग कॉन्ग्रुएंस एंड सिमिलैरिटी, वी शुड राइट इट इन द सीक्वेंस इन करस्पॉन्डेंस। इज इट क्लियर? करस्पॉन्डेंस के हिसाब से लिखना चाहिए। करस्पॉन्डेंस मतलब क्या? करस्पॉन्डेंस मतलब ये वो चीज है सो दैट उस सीक्वेंस से अगर आप इनको लिखते हो तो वो एक दूसरे को परफेक्टली मैच होने चाहिए, दे शुड मैच ईच अदर परफेक्टली। ठीक है, ओके सर, ठीक है, लेट्स मूव ऑन। सो ये करस्पॉन्डेंस अगर आपको क्लियर है तो हमें सिमिलैरिटी के बारे में ध्यान में आया है, दो ट्राइंगल्स को सिमिलर कब कहेंगे हम? दोनों को सिमिलर तब कहते हैं जब करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल रहेंगे, साइड्स आर इन प्रोपोर्शन। अब ऐसा है तो हमारे पास एक बहुत बढ़िया थ्योरम है विच इज कॉल्ड एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। क्या कहता है ये? द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स टू इक्विएंगुलर ट्राइंगल्स is always the same. Is always same. What do you mean by equiangular? Jinke angles same. Exactly. Two triangles. Two triangles. Are equiangular if their corresponding angles are equal. क्या कहा? दो triangles को equiangular कहा जाएगा if their corresponding angles are equal.
और ऐसे ट्राइंगल्स अगर इक्विएंगुलर है तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम कहता है कि द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इनटू इक्विएंगुलर ट्राइंगल इज द सेम। सर इसका कहना क्या है, डायग्राम के थ्रू समझते हैं। दो ट्राइंगल हमारे पास है, ठीक है, दो ट्राइंगल्स हमारे पास है। दिस इज ए बी सी एंड दिस इज पी क्यू आर। एंगल ए इज कॉन्ग्रुएंट इक्वल टू एंगल पी, एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। एज करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, इक्वल है ना, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल PQR are equiangular. और अगर ऐसा है तो हम कहते हैं then ratio of corresponding side. अब corresponding side कौन सी है? So AB, AC and AB की corresponding कौन है? PQ. BC की करस्पॉन्डिंग कौन है? QR. R. PR की करस्पॉन्डिंग कौन है? सॉरी, AC की करस्पॉन्डिंग कौन है? PR. PR. क्या कहता है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम? द रेशियो ऑफ एनी टू करस्पॉन्डिंग साइड्स इन टू इक्विएंगुलर ट्रायंगल्स इज ऑलवेज सेम। एनी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो दो इक्विएंगुलर ट्रायंगल में ये हमेशा सेम रहेगा। क्या सही है? दिस इज बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। क्या सही है? रिहाया ना? यस सर। ठीक है, सो इसे कहते हैं हम बीपीटी। अब देखो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स डिस्कस अबाउट अनदर थ्योरम। ये क्या कहता है? इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू, one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points then two sides are divided in the same ratio। समझ लो पहले थ्योरम में क्या कहा है। If a line is drawn parallel to one side of a triangle, एक ट्राइंगल है हमारे पास, अब इसको पैरेलल एक लाइन ड्रॉ की गई, ठीक है,
ये लाइन ड्रॉ की इसको पैरेलल डी ई. इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड. बीसी को पैरेलल ड्रॉ की है, ये ए बी और ए सी को दो डिफरेंट डिस्टिंग पॉइंट डी एंड ई में इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये थ्योरम कहता है ये साइड्स का रेशो ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन ए सी. ठीक है, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए अपॉन ए सी. क्या सही है? क्या थ्योरम ने इतना कहा है? कैसे प्रूव करना अपन देखेंगे. ठीक है, अब देखो हम एक बिल्कुल सिंपल छोटी सी कंस्ट्रक्शन करते हैं. हम ये पॉइंट सी और डी को ज्वाइन करते हैं. और डी से एसी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ई से ए बी पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. ठीक है, हाँ सर बिल्कुल सही है. इन पॉइंट्स को नाम दे दिए. एम एंड एन सिंपल कंस्ट्रक्शन कर ली. अभी मैं सिर्फ कंस्ट्रक्शन लिख नहीं रहा हूं. ठीक है, अब देखो बड़ा आसान पार्ट है. ये ऊपर वाला ट्रायंगल दिख रहा है, इसका एरिया हम लिख सकते हैं. एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई कितना आएगा? हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, हाफ ऑफ ए डी इनटू ई एन. क्या सही है? क्या? हाँ सर बिल्कुल सही है. और क्या लिख सकते हैं इसका एरिया? सर इसका एरिया लिख सकते हैं हम हाफ ऑफ ए ई इनटू डी एम बेस इनटू हाइट. बिल्कुल सही है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब सिमिलरली कैन वी राइट एरिया ऑफ ये नीचे वाला ट्रायंगल? तो ये इसको बेस मानते हैं तो ये हाइट हो जाएगी. तो इसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी डी ई हाफ ऑफ बेस क्या आ गया हमारा डी ई सॉरी डी बी. हाइट क्या रहेगी? ई एन. क्या सही है? हाँ सर बिल्कुल सही है. सिमिलरली क्या हम इसका एरिया लिख सकते हैं? क्या हाँ सर लिख सकते हैं एरिया ऑफ ट्राइंगल सी ई डी हाफ ऑफ इसको बेस माना है तो डीएम हाइट रहेगी हाफ ऑफ ईसी इनटू डीएम. अब देखो इन दोनों के बारे में आपको कुछ पता है. दिस रेड वाला एंड ग्रीन वाला दिस टू ट्रायंगल्स आर बिटवीन बीसी एंड दिस लाइन. क्या ये दो लाइंस एक दूसरे को पैरेलल है? यस सर. सो क्या नाइन्थ में हमने ऐसा पढ़ा है ट्रायंगल्स बिटवीन टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल इन एरिया?
दो पैरेलल लाइंस के बीच के ट्रायंगल्स ये हमेशा एरिया में इक्वल रहेंगे, क्या सही है क्या? हाँ, ये हमने नाइन्थ में प्रॉपर्टी पढ़ी है, दो ट्रायंगल दो पैरेलल लाइंस के बीच में अगर कोई ट्रायंगल्स रहते हैं तो उनका एरिया इक्वल रहने वाला है, ऑब्वियसली उनका बेस सेम रहना चाहिए, ठीक है, उनका बेस सेम रहना चाहिए, सेम बेस पर सेम पैरेलल लाइन, दो पैरेलल लाइन के बीच में रहने वाले ट्रायंगल का एरिया इक्वल रहेगा। रीजन सिंपल है, देखो कहीं पर भी जाओ ये हाइट सेम रहने वाली है और बेस तो डी ही है, दो पैरेलल लाइन के बीच की हाइट सेम रहेगी, सो बेस मतलब डीई ये वाला और हाइट हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट, ये तो दोनों ट्रायंगल के लिए सेम आएगा, इसलिए इनका एरिया सेम रहने वाला है। हाँ सर बिल्कुल सही है, नो प्रॉब्लम, सो देयरफॉर ये दोनों एरियाज इक्वल हो जाएंगे। अब देखो एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, क्यों? दे आर बिटवीन सेम बेस, दे आर ऑन सेम बेस एंड बिटवीन टू सेम पैरेलल लाइन, ठीक है। अगर ऐसा है तो देखो बरे जरा, वन डिवाइडेड बाय थ्री क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE आने वाला है हाफ AD इंटू EN डिवाइडेड बाय हाफ DB इंटू EN। सिमिलरली 2/4 करके देखो तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ADE अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल CED, दिस इज हाफ ADE AE इंटू DM डिवाइडेड बाय हाफ ऑफ EC इंटू DM, अगेन डीएम ने डीएम को खाया, हाफ ने हाफ को खाया। अब देखो न्यूमरेटर सेम है, क्या BDE इक्वल टू CED है? ऑलरेडी लिखा है पांच में, ए CED और BDE इनका एरिया इक्वल है, न्यूमरेटर वैसे इक्वल है, सो क्या ये दोनों की LHS इक्वल है क्या? हाँ सर, सो इनकी RHS भी इक्वल होनी चाहिए। देखो RHS में कौन बचा है, AD अपॉन DB इक्वल टू AE अपॉन EC, क्या सही है? क्या सही है क्या? अरे हाँ या ना? Yes.